अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश के ट्रांसलेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बताने लगा हूँ, इन्हें आप देख लें। स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट पेज, ये आमतौर पे हमें हर क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन एक नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर पेज में जगह काफ़ी ज़्यादा है तो आप उसी से स्टार्ट करें, नेक्स्ट पेज में जाने की आपको ज़रूरत नहीं। प्रॉपर वे, हर क्वेश्चन को प्रॉपर वे में अटैम्प्ट करें। जैसे कि ट्रांसलेशन है इसकी इंग्लिश में पैसेज की, उसको आप एक प्रॉपर वे में अटैम्प्ट करें, क्योंकि इसके मार्क्स 15 है और 15 मार्क्स का क्वेश्चन इजीली अटैम्प्ट नहीं करते, उसे सोच समझ के अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करते हैं और उसका कोई एक वे, इसे एक वे से अटैम्प्ट करते हैं ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे और जितना उसे पढ़ने में आसानी होगी वो उतने अच्छे मार्क्स देगा। गुड प्रेजेंटेशन, इसमें आप प्रेजेंटेशन अच्छी रहे, क्योंकि इसके मार्क्स भी 15 है, जितने इसके मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप प्रेजेंटेशन भी आप इसकी अच्छी करें, उस पर टाइम दें। इसे थोड़ा अटैम्प्ट केयरफुली, इसे केयरफुली अटैम्प्ट किया, जैसा कि मैंने बताया इसके 15 मार्क्स हैं और अब बाकी तो आप जानती हैं कि 15 मार्क्स हर पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई भी नहीं छोड़ेगा इन नंबर्स को। और अगर आप इनकी तैयारी अच्छे तरीके से करना चाहें तो आप पास पेपर से कंसर्न करें, पास पेपर से कंसर्न करें। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ पैसेजेस बताए थे जो फ्रिक्वेंटली पास पेपर्स में आ रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं वीडियो में। थैंक यू।